हाय गाइस, वेलकम बैक अवर गेमिंग चैनल जेएस प्रो गेमिंग। सो गाइस, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। अगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है हमारी कमेंट्स रिव्यू के ऊपर। और गाइस, जैसे कि आपको पता है कि कल हम वीडियो नहीं डाल पाए थे, उसकी वजह ये थी कि हमारा नेट का रिचार्ज भी ख़त्म हो गया था और दूसरी वजह कोई सी नहीं थी, तो पहली और आखिरी वजह यही थी, सिंपली यही होने वाली है। और इसी के साथ आज की वीडियो में हम कमेंट रिव्यू करेंगे। कमेंट रिव्यू क्या करेंगे? कमेंट रिव्यू में हम करने वाले हैं वही अपने हाउस के ऊपर, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा है कि हाउस को अपग्रेड कैसे करें, डेकोरेट कैसे करें, ये सारी बातें। बल्कि डेकोरेशन से रिलेटेड तो मैंने पिछली वीडियो में अपना बता दिया था, जिसमें हमने अपने हाउस को, अपने जेएस प्रो गेमिंग हाउस को हमने खुद ही डेकोरेट करा था। और फिर उसी के साथ, लेकिन अपग्रेड के बारे में मैंने आपको इसमें नहीं बताया है, तो आज की वीडियो में हम हाउस की एक एक बातें आपको कन्फर्मली बता देंगे कि हम उसे बिड करें, बिड से लेकर डेकोरेशन तक, आपको फर्नीचर तक, सब सारी बातें आज की वीडियो में हम बता देंगे। और इसी के साथ आज की वीडियो में हम 10 नहीं, आज की वीडियो में हम 22 गोल्डन गाशोफोन बिड ओपन करेंगे। 22, अब कैसे 22 ऐसे करेंगे कि हम टू गोल्डन गाशोफोन तो जनरेशन फर्स्ट एंड सेकंड का करेंगे, और जनरेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड इनमें से कोई सा भी देख लेंगे, और 10-10 के कॉम्बिनेशन में हम जनरेशन 4 और जनरेशन 5 के गोल्डन गाशोफोन ओपन करेंगे। सो गाइज, इसी के साथ फिर अब हम चलते हैं अपने, उससे पहले हमने कुछ मिशंस कंप्लीट करे हैं, उन मिशंस को क्लेम करने, और मिशंस को क्लेम करने के साथ साथ आज की वीडियो में हम अपने टॉपिक्स को बिल्कुल ही सही से, बखूबी, बिना भटके हुए हम अपने टॉपिक्स को सही से फोकस करते हुए आज की वीडियो बनाएंगे। तो इसी के साथ हम अपने हाउस में आ चुके हैं, और हाउस में आने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आप पहले उस पर क्लिक करो जिस पर अभी वाइट वाइट सा आ रहा है, तो उस पर आपको ऑक्शन से रिलेटेड मिल जाएगा। अब ऑक्शन में आपको वो जिसका ज़ीरो है उसकी, आपको ज़ीरो से लेकर अपनी ऑक्शन प्राइस फिक्स कर सकते हैं, ज़ीरो से लेकर आपको जितनी करनी है आप उतनी कर सकते हैं। और कुछ हाउस के ऑक्शन प्राइस फिक्स रहती हैं, जैसे कि किसी की 50,000, किसी ने 5 लाख से जितनी भी फिक्स कर रखी हो, आप मिनिमम उतनी ऑक्शन प्राइस कर सकते हैं और मैक्सिमम आपकी मर्ज़ी जितनी भी। और ऑक्शन प्राइस में, जैसे कि आपको पता है, मैंने अपना जो अभी लार्ज रूम ख़रीदा है वो ऑक्शन प्राइस 5 लाख कॉइन्स का ख़रीदा है। अब 5 लाख कॉइन्स मैंने ज़्यादा दे दिए थे, आपको लार्ज रूम का मैं बताऊँ तो आप 1 लाख से ज़्यादा ऑक्शन प्राइस में नहीं डाले कॉइन। आपको स्मॉल रूम ख़रीदना है तो 20,000 उसके लिए परफेक्ट है, मीडियम रूम ख़रीदना है तो 50-60,000 आप, और ये भी मेरा अंदाज़ा ही बता रहा हूँ क्योंकि उनके लिए 1 लाख भी बहुत ज़्यादा थे, तो उसी अंदाजे से मैंने बता दिया आपको। और फिर इसका सेकंड में आते हैं, तो सेकंड में आपको दिखाई वो पता चलेगा कि आपने एक हाउस ख़रीद रखा है नहीं, फिर अपार्टमेंट ख़रीद रखा है तो कौन सा ख़रीद रखा है। फिर थर्ड में आते हैं, तो थर्ड में इसमें इस पाथ के, यानी कि हमारे सर्वर में जो भी हैं उनके नंबर 1 हाउस, मतलब किसकी लेवल कौन सी है अभी नंबर 1 पे जो भी चल रहा है वो यहाँ पे दिखाएगा, और उसके हाउस की वैल्यू भी दिखाएगा कि कितने रुपए की उसकी हाउस की वैल्यू है, कि अगर कोई ख़रीदेगा भी तो उसे इतने रुपए पे करने पड़ेंगे अगर वो बेचता है तो। तो इसमें ये था। और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में गाइस क्या होगा, नेक्स्ट में आपको फर्नीचर एंड डेकोरेशन मिलेगा। तो आप इसमें डेकोरेशन से रिलेटेड अभी कुछ कंफर्म है नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन फर्नीचर का हमें बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। फर्नीचर अब जैसे कि हमने बहुत सारे ख़रीद रखे हैं, और अब पिछली कुछ एक आध वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, तो उसमें मैंने फर्नीचर भी बता रखा है आप कैसे ख़रीद सकते हैं। तो उस वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि आप फर्नीचर कैसे बिड कर सकते हैं। तो सिंपली इसमें हमने फर्नीचर बिड कर रखा है, तो हम डायरेक्ट उसी को अरेंज करना सिखाएंगे कि आप फर्नीचर को कैसे अरेंज कर सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं। और फिर इसके साथ हमारा पहला टॉपिक तो हो जाएगा लगभग ख़त्म। तो हम उससे पहले हाउस में जाते हैं, क्योंकि हाउस में, हाउस के अंदर रहना इम्पोर्टेंट है। और हाउस में आने के बाद आपको फिर से गार्डन पर क्लिक करना होगा, और फिर उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना डेकोरेशन। अब इसी के साथ आने के बाद फिर फर्नीचर में, अब उस पर आप अरेंज पे क्लिक करेंगे जो सी भी चीज़, और जहाँ पे अरेंज करनी है आप लगा सकते हैं। और बस ये बात है, जब आप अरेंज वो कोई सा उसको अरेंज करेंगे तो फिर आप अपने ट्रेनर को इधर से उधर नहीं कर सकते हैं, बस यही इसमें एक बात है। अगर ट्रेनर को भी इधर से उधर कर सकते हैं तो आपको पहले ही सोच के रखना पड़ेगा कि आपको फर्नीचर कहाँ पे लगाना है, उस जगह पे अपने ट्रेनर को रखना है, तभी जाके आप अपने वो फर्नीचर को सही से सेट कर पाएंगे। तो लगभग हमने अब बस एक टेबल बचा है, और टेबल को अरेंज करने के बाद हम
आराम से हमारा पहला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। और पहला टॉपिक ख़त्म होने के साथ साथ बीच में मैं आपको एक बात और बताऊंगा, पहले इसे अरेंज कर लेते हैं और फिर हम आपको बताएंगे। फिर इसी के साथ हमने अरेंज कर लिया, अब हम आपको बताते हैं अपने नेक्स्ट के बारे में। सो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम पेड व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट करने वाले थे। तो गाइज, मैंने सोचा कि पेड व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट करना सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत से लोग उसका सब्सक्रिप्शन नहीं खरीद पाएंगे। तो मतलब, और दूसरी बात, हमें पता भी नहीं है कि वो लोग उसका सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे भी नहीं खरीदेंगे, तो इससे हमारे चैनल पर ही थोड़ा गलत इंप्रेशन पड़ेगा। तो अगर नहीं लोग खरीदते हैं या फिर कम लोग ज्वाइन होते हैं, तो थोड़े लोग कम गलत वो मतलब गलत वे में ले जाएंगे। तो इसी के साथ हमने सोचा कि क्यों ना पहले टेस्ट करा जाए। तो पहले टेस्ट हम ऐसे करेंगे कि गाइस, जैसे कि हमने आपको बताया था, दी रियल पोकेमोन सीरीज़ आने वाली है। दी रियल पोकेमोन सीरीज़ को दूसरे नाम से किससे जानते हैं? दूसरे नाम से जानते हैं हम नो अबाउट पोकेमोन, यानी कि दी रियल पोकेमोन सीरीज़, यानी कि आप पोकेमोन के बारे में कितना जानते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको वैसे ही बता रहे हैं। उसमें आप कर सकते हैं कि गाइस, आपको वीकली सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा, और वीक में दी रियल पोकेमोन सीरीज़ की लगभग तीन एपिसोड में बनाने, तीन से लेकर तीन वो दो या तीन या फिर चार, चार भी हो सकता है, इतने एपिसोड्स बनाने की कोशिश करूँगा। और फिर दी रियल पोकेमोन सीरीज़ में होगा ये कि वो लगभग 12 घंटे पहले, 12 या फिर 24 घंटे पहले, यानी कि लगभग हो सकता है एक दिन या फिर 12 घंटे पहले आपको उस चीज़ पर, मतलब मैं एक लिंक दूंगा, लिंक के बाद मैं वीकली सब्सक्रिप्शन रखूंगा कि इतने रुपए का। वीकली तो कम ही होगा, तो शायद ज़्यादातर लोग खरीद सकें, तो फिर मैं देखूंगा। और वीकली सब्सक्रिप्शन खरीदने वाले उस द रियल पोकेमोन सीरीज़ के एपिसोड को एक घंटे पहले, एक घंटे तो मैंने पहले बोला था, 12 घंटे पहले या फिर एक दिन पहले देख सकते हैं। तो गाइस, सिंपली आपको मैंने बता दिया कितने घंटे पहले देख सकते हैं, 12 घंटे पहले या फिर एक दिन पहले आप दी रियल पोकेमोन सीरीज़ के एपिसोड्स को देख सकते हो। और इतना ही नहीं, क्योंकि वीकली सब्सक्रिप्शन है, तो ये सब्सक्रिप्शन आपका हफ्ते तक चलेगा। और उस हफ्ते में क्या होगा, उस हफ्ते में होगा ये कि आपको संडे की वीडियो आपको सैटरडे के नाइट 8 से लेकर 10 PM के बीच में देखने को मिल जाएगी। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा ये प्लान। तो मैंने वीकली स्टार्ट करने का इसलिए सोचा है कि वीकली से हमें पता चल जाएगा कि हमारे ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कितने तैयार हैं। तो फिर इसी के साथ, पहले तो हम कल परसों में ही, अब मैं कन्फर्मली बता रहा हूँ, आप थोड़ा गुस्सा मत होना, कल परसों में ही हम अपनी दी पोकेमोन टिप्स वीडियो ला रहे हैं। क्योंकि गाइज, आपने देखा था, मैंने वो जब स्टार्ट करी थी वीडियो, तो उसके अंदर मैंने, अब मेरे टीम में कौन कौन से पोकेमोन थे आपने देखा था, वो दरअसल इसलिए था क्योंकि मैं आपकी दी पोकेमोन टिप्स वीडियो तैयार कर रहा हूँ, और उसे बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा मतलब समय ले रहा हूँ, कि उसमें आपको मैं पूरा गेम के बारे में बता दूँ, कि फिर आप मुझे बार बार कमेंट ना करें कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, इसे कैसे करें, वो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, वो वीडियो देखो। फिर मैं बाकी आपको उसमें भी डाल के दूंगा कि जाके मेरी दी पोकेमोन टिप्स वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो सिंपली वही होने वाला है, तो इसलिए मैं उसमें थोड़े बनाने में मुझे थोड़ा समय लग रहा है, तो बस। और दूसरी बात आते हैं अपग्रेड। तो गाइस, सिंपली आप जब ले, आपको पहले तो हाउस के अंदर रहना, फिर उसके बाद जब आप उस पर आ चुके हैं, उस पर क्लिक करेंगे, और फिर उसके बाद आपको लेवल अप का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करने के बाद अब आप आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आप अपग्रेड कैसे करें, अपने हाउस को लेवल 2 में कैसे पहुंचाएं? तो गाइस, इसके लिए आप देख सकते हो 3 लाख कॉइन लिखे हुए थे, और कुछ वो लिखे हुए थे कुछ पेपर्स जैसा मांग रहा था। तो पेपर्स आपके पास 300 होना चाहिए लेवल 2 में पहुंचाने के लिए, और वो आपको मिशन से मिलेगा, आप मिशन से ले सकते हैं, वो पेपर्स आपको मिशन से मिल जाएंगे। मिशन से आपको हो सकता है डेली के 10-20 जितने भी मिले आपको उतने ही मिशन, और मेरे हिसाब से अगर आपको आप 20 मिशन से रोज़ का कंप्लीट भी करते हैं, तो आपको लगभग 5-6 से ज़्यादा मिलेंगे नहीं वो पेपर, बस मेरा एक अंदाज़ा है जो मैंने आपको बताया है। तो मैंने इसी के साथ आपको गाइस बता दिया है दी रियल पोकेमोन सीरीज़ के बारे में भी मैंने आपको बताया, और उसके अंदर भी मैंने आपको बता दिया है। तो दी रियल पोकेमोन सीरीज़ में क्या होने वाला है आपको पता है, और हाउस अपग्रेड का जिन्होंने भी कमेंट करा था वो मैंने बता दिया है कि हाउस अपग्रेड आप कैसे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा हाउस अपग्रेड के लिए, ये बात है। और अगर इतना ही नहीं गाइज,
दी रियल पोकेमोन सीरीज जो स्टार्ट होगी उसको मैं एक तरह से पहले मैं सेटिस्फाइड होना चाहता हूँ कि आप सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं या नहीं। तो दी पोकेमोन टिप्स वीडियो जब जिस दिन मैं लाऊंगा उसी दिन ही मैं सब्सक्रिप्शन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा और फिर आप खरीद सकते हैं। और वो सब्सक्रिप्शन आपको स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में होगा कि आपको वीडियो हो सकता है आपको कोई संडे की वीडियो आपको पहले भी देखने को मिलेगी। और कुछ कुछ बातें हैं जो मैं आपको शेयर करूंगा पोकेमोन सीरीज से रिलेटेड, वो आपको सबसे पहले पता चलेंगी। तो ये बातें हैं और कुछ ज़्यादा मतलब कुछ वीडियोस अब मैं पर्सनल भी बनाऊंगा जो आपको उसी के अंदर केवल मिलेगी। एक वीडियो आपके लिए वो पर्सनल बनेगी, केवल पर्सनल वीडियो होने वाली है वो, और वो होने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा। और कितने रुपए का होएगा ये आपको पता चलेगा कल की वीडियो में। और आई थिंक मैं कोशिश करूंगा कि परसों की वीडियो आपके लिए दी पोकेमोन टिप्स वीडियो ही हो, बस इतनी बात थी। और इसी के साथ आपको पता है मेरे पास 10 गोल्डन गाशाफोन है, तो अब मैं गोल्डन गाशाफोन और ज़्यादा लाने के लिए क्या करने वाला हूँ, और ज़्यादा गोल्डन गाशाफोन लाने के लिए मैं सिंपल ही वो इंस्टेंस में स्वीप करूंगा। और स्वीप करने के साथ साथ फिर जब मेरे पास गोल्डन गाशाफोन आ जाएंगे तो फिर वैसे भी हमने आज अपना अंदाज़ा लगाया है कि हमें 22 गोल्डन गाशाफोन ओपन करने हैं। 22 से कम गोल्डन गाशाफोन तो हम ओपन करेंगे ही नहीं। और इतना ही नहीं, बस एक छोटा जितने हम स्वीप कर रहे हैं तो एक छोटा सा कमेंट कर दो कि क्या आप उस सब्सक्रिप्शन को खरीदने के लिए तैयार हैं। बस आपको कमेंट करना है कि क्या आप सब्सक्रिप्शन को खरीदने के लिए तैयार हैं। और वो सब्सक्रिप्शन पहले वीक का सब्सक्रिप्शन होगा, उसमें दी रियल पोकेमोन वीडियो नहीं होगी। क्यों? पहले दिन के सब्सक्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा, आपको संडे की वीडियो पहले मिलेगी। और इतना ही नहीं, संडे की वीडियो पहले मिलने के साथ साथ आपको क्या चीज़ पहले मिलेगी, आपको मिलेगा पहले ये कि यार क्या बताऊँ मैं आपको, आपके लिए एक पर्सनल वीडियो बनाने वाला हूँ। और वो वीडियो होने वाली है किससे रिलेटेड, लोडिंग फेलियर जिसका सर्वर मेंटेनेंस दिखा था उसके ऊपर वीडियो होने वाली है। तो बस कल की वीडियो का इंतज़ार करें और इस पे छोटा सा कमेंट करें कि आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तैयार हैं। और अगर लेने के लिए अगर कमेंट आएंगे कि हाँ हम लेंगे सब्सक्रिप्शन, और गाइस चलो मैं बताता हूँ सब्सक्रिप्शन कितना हो सकता है। वीकली सब्सक्रिप्शन है तो ये 20-30 रुपीज़ में हो सकता है। अब इतना तो आई थिंक चलेगा, 20-30 रुपये का सब्सक्रिप्शन होगा, इससे ज़्यादा का होगा नहीं। अब बस मैं देख लूँगा 20-30 में कितने का रखना है सब्सक्रिप्शन, और आई थिंक इतना तो आप खरीद लेंगे। तो वो आपको कल की वीडियो में क्या मिलेगा, उससे पहले हम कुछ खोल लेते हैं। और नए नए पोकेमोन मिल रहे हैं गाइस आज, तो आज गोल्डन गाशाफोन उस दिन की तरह हमारे पास मेहरबान हो चुका है। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड इनटू जनरेशन 3 का, 2 का छोड़ो, सब फर्स्ट का हमने खोला ही नहीं। और देख सकते हैं गाइस ये भी नया पोकेमोन, आज की वीडियो में तो हमें नए नए पोकेमोन मिल रहे हैं, मज़ा आ गया। अब 10 गोल्डन गाशाफोन ओपन करने के लिए तैयार हैं, और जनरेशन 4 का 10 जैसा दिखा रहा है वैसा लग तो रहा है कि कोई सुप्रीम पोकेमोन मिलने वाला है, लीजेंडरी पोकेमोन नया मिला। और फिर ये भी हमें रेयर पोकेमोन नया मिला, ये भी अलग ही है, ये हमें एक बार मिल चुका है वरना पहले था गार्चोम्प। सो गाइज हमें अपना सुप्रीम पोकेमोन मिल गया। जिन लोगों को भी लगता है सुप्रीम पोकेमोन हम कैसे लें, तो गाइज हमने मेरे पहले ही बता रखा आपको 10 गोल्डन गाशाफोन आपको एक साथ स्पिन करने होंगे तभी जाके आपको सुप्रीम पोकेमोन मिलने के चांस रहेंगे। और इसी के साथ इतना ही नहीं, बाकी आप पोकेमोन टिप्स वीडियो देखें, उसमें मैं सुप्रीम पोकेमोन को और ज़्यादा अच्छे तरीके से जस्टिफाई करूँगा। तो देख सकते हैं गाइज इतना। और फिर अब हम जनरेशन 5 पे चलने वाले हैं, और जनरेशन 5 का हम खोलते हैं 10। अब गाइस इसमें लग रहा है कि एक सुप्रीम मिलेगा, तो देखते हैं क्या मिलता है नहीं मिलता, क्योंकि लाल लाल सा वो आ रहा था उसमें खोलने, मुन्ना हो स्वेडन और वॉचॉग और ब्लिट्जल और ये और नॉर्मल टाइप नया पोकेमोन और पेंसेज। सो गाइज आप देख सकते हैं कि कलर आपको डिसाइड नहीं करता कि सुप्रीम पोकेमोन मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। और गाइज बस छोटा सा कमेंट कि क्या आप उस सब्सक्रिप्शन को खरीदेंगे जो मैं पेड सब्सक्रिप्शन रखने वाला हूँ। और बाकी एक ने कहा था गेंगार खरीदो, तो थोड़ा सा कम है हमारे पास टिकट्स, गेंगार भी हम जल्दी ही खरीदेंगे। बस आपको छोटा सा वो कमेंट करना है कि हाँ मैं सब्सक्रिप्शन खरीदूंगा आपका। और आपको मैं जितना बता रहा हूँ ना, जितनी चीज़ें बता रहा हूँ उससे रिलेटेड, उससे ज़्यादा ही मैं आपको उसमें प्रोवाइड
कराऊंगा, बस इतना मैंने कह दिया है, क्योंकि मैं हर चीज़ का प्लान नहीं करता हूँ। बस चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।